नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार, तो 2,38,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान, 10,53,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, संक्रमित मरीजों की संख्या 37,000 के पार, वहीं अब तक 1,218 लोगों की गई जान, तो 9,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव इलाज के बाद हुए स्वस्थ। सीएम गहलोत की पहल के बाद प्रवासियों और छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी, आज कोटा से धनबाद के लिए चलेगी विशेष ट्रेन, रात 9 बजे कई छात्र होंगे रवाना। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी, कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 2,678, तो अब तक प्रदेश में कोरोना से 65 की हुई मौत, वहीं 1,116 कोरोना पॉजिटिव इलाज के बाद हुए ठीक। जम्मू और कश्मीर के उरी में पाक की नापाक हरकत, फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, बिना वजह की फायरिंग, दो भारतीय जवान हुए शहीद।